आज किचन 123 में बन रही है उबले हुए चावल। उबले हुए चावल बनाना भी कोई काम है, लेकिन अच्छे उबले हुए चावल बनाना वाकई एक काम है। और कैसे बनाए जाते हैं, कितनी नमक की मिकदार होती है, कितनी देर के लिए भिगोया जाता है, इन सब टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि बिगनर्स को भी पता चलता रहे कि किस तरह से ये बेसिक किस्म की चीजें पकाई जाती हैं। तो उसके लिए मैंने ये किया है कि इस प्याले के अंदर मेरे पास 2 कप बासमती चावल मौजूद है, जिसको मैं धोने के बाद पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, आपके सामने ही धोऊंगी। अगर तो आपको इसके अंदर कुछ ऐसे नजर आए छिलका समेत चावल, तो उसको निकाल दें, पहले चावलों को साफ कर लें और इसके बाद पानी डाल के, अब देखें पानी थोड़ा सा गंदला सा हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये चावल साफ नहीं थे। 2-3 बार पानी डाल के उस पानी को ड्रेन करना जरूरी होता है और उसके बाद हम चावलों को भिगोते हैं। अब ये पानी मैं ड्रेन कर देती हूँ। इस तरह से धो लेने से जो चावलों में अक्सर बेशतर कोई ना कोई कीड़ा भी होता है वो भी निकल जाता है, चावल साफ सुथरे हो जाते हैं। चावलों को भिगोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी वो अच्छी तरह से फूलते हैं और पककर अच्छे तैयार होते हैं। बासमती चावलों का जायका तमाम चावलों में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब चावलों को मैंने धो लिया, अब जो पानी डालूंगी उसके अंदर चावलों को भीगना होगा, इतनी मिकदार में पानी डालें कि जिसमें चावल डूब जाए और ये पानी को जज्ब कर लेंगे और थोड़े से नरम भी हो जाएंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चावलों को भिगोए हुए आधा घंटा हो गया है। चावलों को अच्छा सा उबालने के लिए जरूरी है कि जितने आपके पास चावल हैं उससे 4 गुना पानी आपने देगची में गर्म करना है। जैसे ये 2 कप थे तो 8 कप पानी लेके मैंने देगची में गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैं नमक डालूंगी और जब उसके अंदर उबाल आएगा तब ये पानी निकाल के सिर्फ चावल उस गर्म पानी के अंदर डाल के उबालूंगी। तो ऐसा करते हैं कि देगची के अंदर नमक डाल देती हूँ। तीन टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और इसकी वजह ये है कि जब चावल बॉईल हो जाएंगे तो हमने पानी को निकाल देना है, तो उसकी वजह से फिर ये होगा कि चावलों में नमक की मिकदार कम रह जाएगी, इसलिए हम नमक को स्टेज पे तेज रखेंगे। चावल के डालने से पहले पानी के बॉईल होने का इंतजार करते हैं। इन चावलों में से पानी मैंने ड्रेन कर दिया जिसमें मैंने उनको भिगोया हुआ था, और ये देगची को ढक्कन लगा के जब मैंने गर्म किया, नमक भी डाला हुआ है इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर देती हूँ। 4 गुना जब आप पानी डालने के, तो चावलों को अच्छी तरह से पकने का और फूलने का मौका मिलेगा। और जब हम पानी को ड्रेन कर देंगे, निकाल देंगे उबलने के बाद, चावलों के उबलने के बाद, तो बड़े लाइट से चावल बनते हैं। अगर उसी पानी के अंदर चावल पकते रहें तो वो हैवी होते हैं, तो इसीलिए ज्यादा मिकदार में पानी डाला जाता है कि बाद में उस पानी को निकाला जा सके। चावलों को उबलते हुए 7 मिनट हो गए हैं, ये देखें इस तरह की कंडीशन है चावलों की। चावल मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, इसके अंदर ये जो पानी मौजूद है इसको मैं निकाल दूंगी, ड्रेन कर दूंगी। उबले हुए चावल बनकर तैयार हो गए हैं। चावल उबालते हुए यही मुश्किल पेश आती है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरह से अलहदा अलहदा खिले हुए नहीं होते, आमतौर पे जुड़ जाते हैं, उनकी बॉल सी बन जाती हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे चावल खिले खिले हों। तो ये हमारे खिले हुए चावल बनकर तैयार हो गए, जिसको हमने पहले भिगोया और फिर तकरीबन उबालने के लिए 5 से 7 मिनट का वक्त जो है वो ढेर सारे पानी में उबालने का वो काफी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक उबालेंगे चावल को, बाद में दम भी देंगे तो फिर वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी तरह खुले ढक्कन के साथ ही हमने इसको पकाना है, और जो एक्स्ट्रा पानी हम जब निकाल देंगे उसके बाद से हमारे खिले हुए चावल हमारे पास मौजूद होंगे। ये गर्मा गर्म पेश करने की ही चीज़ है।
चावल उबालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 5 मिनट तक जब चावल तेज आंच पर उबल रहे हों, उसके बाद से आप उसको चेक करना शुरू कर दें कि ये गल गए हैं या नहीं। अगर जरा सी सख्ती इसमें मौजूद हो तो आप मजीद कुछ देर, 1 आधा मिनट मजीद इसको पका लें, और मैक्सिमम 7 मिनट तक आमतौर पर चावल जो है वो गल जाते हैं। टाइम आपको फिक्स मैं इसलिए नहीं बता रही कि चावलों की बेशुमार इकसाम है, कुछ जल्दी गल जाएंगे, कुछ देर में गलेंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो कि 5 से 7 मिनट का वक्त चावलों को गलाने के लिए काफी होता है। तो मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।